नामवर टीवी कंपेयर अनवर मकसूद से मिलने डिफेंस कराची पहुंचे। उनका घर सब्ज पौधों, मुजस्मों और तस्वीर से सजा हुआ है। हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए, तालीम कहाँ कहाँ हासिल की? घरेलू तालीम तो वहीं से हासिल की, फिर 48 सितंबर में पाकिस्तान, फिर यहाँ बहादुर आजम स्कूल एक है जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब उर्दू पढ़ाते थे, जिन्होंने मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पे तालीम बालगान, उनसे मैंने 7 बरस पढ़ा उस स्कूल में, मैट्रिक वहीं से किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने इम्तहान पास किया इकनॉमिक्स में। महो साल का हिसाब होता तो मुश्किल है, फिर भी अब तक कितने ड्रामे, तस्वीर, किताबें, क्या क्या कारनामे अंजाम दे चुके हैं? मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, किताबें तो मतलब बहुत शौक है पढ़ने का। मेरी 1800 घंटे की रिकॉर्डिंग है तकरीबन पीटीवी के पास, और उसके अलावा मेरी पेंटिंग्स, क्योंकि मैं पेंट करता हूँ, EMI में था मैं रिकॉर्डिंग का इंचार्ज, तो जितनी क्लासिकल म्यूज़िक पाकिस्तान की होती है, ख्वाजा खुर्शीद अनवर के साथ मिलकर और फैज साहब और मैंने, हम लोगों ने वो रिकॉर्ड की। शायरी में किसे अपने दिलो दिमाग के करीब पाते हैं? हर सदी एक बड़ा शायर पैदा करती है। एक सदी ने मीर को पैदा किया, एक सदी ने गालिब को पैदा किया, एक ने इकबाल को पैदा किया। इकबाल वाली सदी में फैज़ भी हुए, मगर फैज़ को वो मुकाम नहीं मिला जो इकबाल को है। इकबाल बहुत बड़े शायर हैं, मगर फैज़ साहब हमारे लिए तो नंबर वन ही रहे। आजकल शबो रोज़ कैसे गुजरते हैं? तख्लीकी काम के लिए क्या कोई वक्त मुकर्रर कर रखा है? मैं उठता 6 बजे सुबह, उठ के मैं लिखता हूँ जो भी कहानी लिखना है या क्या है। दोपहर में मैं, अगर कोई मैच नहीं आ रहा है क्रिकेट का, मतलब मैं क्रिकेट का मैच ज़रूर देखता हूँ, फुटबॉल और क्रिकेट। उसके बाद मैं 6 से लेकर 8 बजे तक पेंट करता हूँ, और फिर रात में जब तक सोऊं नहीं, जब तक मैं म्यूज़िक सुनता। शायर, सहाफ़ी, अदाकार, ड्रामा नगार, मज़ा नगार, मुजस्मा साज, मुसव्वर और ना जाने क्या क्या कुछ, ये सब कुछ एक शख्सियत में मुमकिन कैसे है? किसी एक फील्ड में होता मैं तो मुमकिन है कि बहुत आगे होता, मगर ये कि पेंट करके बड़ा मज़ा आता है। आपको रंगों का फ़र्क मालूम है, इम्तिज़ाज, तो फिर जैसे कि आतिशबाजी, अनार फूट गया। क्लासिकी मौसीकी मुश्किल भी है और इसको पसंद करने वाले भी कम रह गए हैं। आपको रागों का कितना इल्म है? मुझे कोई अगर जगवंती गा रहा है तो मैं मालूम कर लूँगा, बागेश्री, रागेश्री, बेहाग, चौनपुरी, असावरी, दरबारी, देस, देसी, खमाज, अडाना, कलावती। क्लासिकी मौसीकी का शौक पैदा कैसे हुआ? सुन सुन के हुआ, मतलब मुझे इस तरह का शौक नहीं था। वहीद मुराद, सुहेल राणा, परवेज़ मलिक, मसरूर अनवर और लियाकत अली खान साहब के भाई के बेटे जावेद अली खान, क्रिकेट दिन में खेलना और शाम में मेरे घर बैठ के हम लोग म्यूज़िक सुनते थे। उस ज़माने में मैं टाइयाँ और रुमाल बनाया करता था और बोरी बाज़ार में बेचता था। तस्वीर जो है ये जिस दिन मलके तरन्नुम मैडम शागिर्द हुई नूरजहां बड़े गुलाम अली खां की, मतलब इतनी मुस्कुराती हुई तस्वीर मैडम की मैंने नहीं देखी। और ये क्या है? ये सारी फिल्में हैं, इसमें रशियन, जर्मन,
मतलब स्कैंडिनेवियन और चाइनीज जापानीज शेक्सपियर का पूरा, चाहे स्टेज है चाहे फिल्म है, ये पूरा है मतलब सारी फिल्में किस वक्त देखते हैं? रात में अगर म्यूजिक व्यूजिक की जगह अगर मैं कह फिल्म देखते हैं आज तो वो डीवीडीज के लिए मैंने वहाँ लगाया हुआ है, वरना इंडियन फिल्में नहीं देखते। इंडिया की दिलीप कुमार सारा मेरे पास है, गुरुदत्त सारी फिल्में मेरे पास हैं, और आजकल के सत्यजीत ने उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत, वो मैं आईपीएल देख रहा हूँ, एक ही चीज़ है, आईपीएल देखो या इंडियन फिल्म देखो, तो मैं ज़्यादा नहीं देखता। मेरे पास क्रिकेट और इंडियन फिल्म को आप एक ही नज़र से, वो अब तो इस वक्त एक ही चीज़ है बिल्कुल। कबाब सब्जी और दाल का घरेलू खाना पेश किया, पकाते हैं और खिलाते हैं, सिर्फ पकाते हैं और खिलाते हैं, और हम लोग अपनी मेज पे बैठे रहते हैं, हम नहीं हिलते हैं, बच्चे तक नहीं हिलते हैं, और आप इनको किचन में किसी दिन देख लें तो ये किचन में ऐसे होते हैं जैसे ये यहीं के लिए बने, ये सब तो झूठ है। बाकी शादी वालदैन की मर्जी से हुई या लव मैरिज दोनों के, हमारे भी घर वाले इनके भी घर वाले समझ रहे थे कि अरेंज है, लेकिन अरेंज नहीं थी। नहीं, पहले आप मिल चुके थे? नहीं नहीं, मैं इनको यूनिवर्सिटी बस में छोड़ने जाया करता था। ये मेरे फर्स्ट कजन है, ये बातें कर रहे हैं। जब ये यूनिवर्सिटी इंडिया से आई तो यूनिवर्सिटी में थी, तो गुरु मंदिर में इनको बस में छोड़ के आता था यूनिवर्सिटी, हिफाजत के लिए या वैसे? नहीं, एक बार हुआ था, नहीं ब्राज साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, मैंने इसलिए नहीं इनके हवाले किया था, मैं समझी कोई पढ़ी लिखी बात करेंगे। नहीं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी बात हो सकती है, और क्या होगी। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैंने इनको एक दो बार यूनिवर्सिटी में देखा, मैं समझती थी अपने दोस्तों के चक्कर में आ रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बताया मेरे चक्कर में आते थे, मैंने इनको सिर्फ देखा। और ये एक बार हमारे एक बहन हुई उनकी गाड़ी लेके आए थे, तो मुझसे बोले चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो मैं बैठ गई, मुझे नहीं पता था ये मुझे क्यों बिठा रहे हैं, छोड़ने को तो मैं बस से जा ही सकती थी। फिर जब मैं घर पर उतरने लगी तो उन्होंने किसी से कहना नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ने आया था, तो मुझे पता चला कि इनके दिल में कुछ है। और आपके दिल में कुछ था उस दिन आया? लड़ाई तो हर हंसते बसते घर में भी होती है, आपके यहाँ इख्तलाफ किन बातों पर होता है? जब किचन में गंदगी फैलाते हैं ये, उस वक्त मैं लड़ती हूँ इनसे, जब ये पैसे फेंकते हैं उस वक्त मैं लड़ती हूँ इनसे। वाकई पैसे फेंकते हैं? मत पूछिए, आपने मैं क्लियर करो, वो समझ रहे हैं कि मुजरा में कह रही हो तुम, बिल्कुल मुजरा देखने नहीं जाते, पैसे फेंकते हैं, पैसे वहीं फेंके जाते हैं, और कहाँ पैसे फेंके जाते हैं। नहीं, हर काम में ये, अगर ये मैं इनसे कहूँगी मुझे एक ऑयली फोले ला दें तो ये साथ लाएंगे, अब मैं कैसे खुश हूँ, तो ये अगर दुकान पर खड़े हैं और ये कुछ खरीद रहे हैं तो ये बस देखते थे जेब में कितने पैसे बचे हैं, तो ये फिर उसकी भी कोई चीज़ ले लिया करते थे, ये ऐसे हैं। अगर मैं इनका कंट्रोल ना कर रही हूँ, मुझसे थोड़ा सा डरते हैं ना, तो वो उस कंट्रोल की वजह से थोड़ा डरे हुए होते हैं कि ये डांटेगी बात। पहले मुंह से सही लफ्ज निकल रहा था। मारेगी नहीं, मारते नहीं हूँ। हिस्से लतीफ रखने वाले लोग अक्सर अपने फन में इतने खो जाते हैं कि घर के मुआशी हालात भी खराब हो जाते हैं, आपको भी ऐसी सूरत का सामना करना पड़ा? बस ये मुश्किल आई कि मुझे इन लोगों ने नहीं खुलने दिया किसी ने, मुझे अपने आप को ढूंढते कोई 55 साल लग गए। तो क्या इन्होंने आपको अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका ही नहीं दिया? हाँ, नहीं मैं कुछ ना करूँ, ये इनसे मुझे हमेशा शिकायत रहेगी और उस वक्त तक रहेगी जब मैं दुनिया से जा रही होंगी। नहीं, क्या ये रवायती शौहर बन गए? हाँ, ये वहाँ रवायती शौहर है। अगर मैं मामूली शक्ल की मामूली सी औरत हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, जितना बिगाड़ना था बिगड़ चुका, लेकिन ये बस ये इस मामले में ये मुझे नहीं आगे बढ़ने दिया इन्होंने। मैं हमेशा से लिखना चाहती थी, मैं स्टेज पर ड्रामा करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इनके दोस्त तो कहते हैं कि आपका इन पर बहुत रोब है। इनकी दुनिया इनकी है, मेरी नहीं। आपने ऊपर का मेरा घर देखा, ये आज़ाद है, ये ऊपर से ना उतरे तो मैं पूछूंगी भी नहीं, अगर ये थोड़ी खाने पर भी ना उतरे तो मैं खाना ऊपर भिजवा दूंगी। बच्चे लड़ाई में किसका साथ देते हैं? ये बच्चों का साथ देते हैं, हमारी लड़ाई ऐसी नहीं होती किसी के सामने, किसी को नहीं पता हम लड़ते हैं,
और जिस दिन लड़ते हैं, जिस दिन हमारे मुलाजिम छुट्टी पे होता है और नाम सामने नहीं लड़ते, तय करके लड़ते हैं। जिस दिन मैं उस दिन सोचती हूँ आज बोलूँ तो ये जवाब ही तो मतलब मैं ही छुट्टी पे हुआ नहीं तो हाँ उस दिन इन पे काम होता है, ये खाना पका रहे होते हैं। लेकिन ये कि ये लड़ाई का ये जवाब नहीं देते, मैं ही लड़ती हूँ, मैं ही जवाब देती हूँ, मैं ही बदतमीजी करती हूँ, मैं ही चुप हो जाती हूँ, ये कहते हैं बकती हूँ। पोता मिकाइल मकसूद मसवरी के फन में अभी से मायर हो गया है। अब्बू जो थे हमेशा से बड़े नरम दिल के थे और अगर हमें डांट भी पड़ी होती थी तो हमेशा डिफेंड करने बीच में आ जाते थे और दोस्तों की तरह हमेशा से रहे। मुझे याद है जितनी हमारे स्कूल की छुट्टियां अब्बा करवाते थे कोशिश करके कि भाई बच्चों को कल स्कूल नहीं जाना, उतनी महज हम भी खुद नहीं कोशिश करते होंगे। हॉकी का मैच पाकिस्तान जीता भाई कल बच्चों की छुट्टी है, और कुछ भी हुआ बच्चों की छुट्टी है, और हमारे कपड़े इस्त्री करना, कहीं जा रहे हैं तो जूते पहनाना, लेसेस बांधना, मुझे तो बचपन इसी तरह याद है। अब्बा से कभी मैं डरी नहीं, अब मेरे ख्याल से बिलाल और मैं दोनों हम नहीं डरे। जो बात जो सीक्रेट करनी होती थी वो हमें पता था कि हमें अब्बा से करनी है और अब्बा के थ्रू अम्मी तक पहुँचेगी। नाना हमारे साथ बहुत खेलते हैं, मुझे उनकी मैक्रोनी एंड चीज़ सबसे ज़्यादा बहुत मज़ा आता है खाने में। मैं नाइट स्पेंड ही बहुत करती हूँ, बहुत मज़ा आता है उस पर। वक्त मिले तो शाम को मुसव्वरी करते हैं। बाप और बेटे के घर मुल्हिक मगर अलग अलग हैं। बेटे बिलाल मकसूद का स्टूडियो भी इसी चार दीवारी में है। जो चुरा के मेरी आंखों से ले लिया, ले गया था दूर एक गांव में, वहां ठंडी छांव है, बहती नदियां है, जाना है नदिया के पार। बड़ी बहन फातिमा सुरैया बजिया से मिलने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पहुंची। हम भाई बहन वो नसीबे वाले भाई बहन हैं तो जिनमें आज तक एक सखन को भी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, एक सखन को भी ना। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए जायदाद छोड़ी, ना हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बैंक बैलेंस छोड़े। उन्होंने अगर कुछ छोड़ा है तो मोहब्बतें छोड़ी हैं, किताबें छोड़ी हैं, कागज छोड़े हैं, कलम छोड़े हैं, दैट्स ऑल। बजिया, आप हों, अनवर मकसूद हों, अहमद मकसूद हमीदी हों या जोहरा निगाह, सारे ही बहन भाइयों का शेर व अदब की तरफ रुझान कैसे? माहौल मैं बताऊँ ना, मैंने जिस घर में आँख खोली है हम भाई बहनों ने, तो वहाँ पर रहने वाला मकान
کا ایریا کم تھا, لائبریری کا ایریا بہت بڑا تھا, اور گھر پر مستقل ایک دل ساز, ایک خطاط یا پینٹر, اگر کتاب پھٹ جائے یا کوئی صفحہ کم ہے اور کہیں سے ان کو مل گیا تو وہ ریپلیس کر دیں. گھر واپس آئے, 50-50 ہو یا آپ کی باقی تحریر, خوبصورت طنز و مزاح لکھا ہے لیکن اب تک آپ کی کوئی کتاب نہیں آئی, وجہ؟ سہیل, دوسروں کی اتنی کتابیں آ رہی ہیں کہ میری جگہ نہیں بن رہی ہے. میں سفر نامے لکھ رہا ہوں اور وہ انشاءاللہ اگلے سال جنوری میں چھپے گا, مگر ان ملکوں کا سفر نامہ ہے جہاں میں نہیں گیا. نقاد کہتے ہیں کہ آپ ٹکڑوں میں لکھتے ہیں, مزاح میں تسلسل نہیں ہے, اسی لیے شاید کتاب نہیں آئی. تنقید نگار سے ڈرپوک آدمی آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا. تنقید کرنے کا حق صرف ان کو ہے جو اس فیلڈ میں خود ہوں اور بہت بڑے مقام پر پہنچ چکے ہوں. سنا ہے کہ آپ ریہرسل کے دوران چھپ کر مکالمے سنتے ہیں اور اسکرپٹ کی تبدیلی پر ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی ٹیلی ویژن کا چینل ایسا ہے جہاں آپ جائیں اور وہاں مجھے چھپ کے دکھ رہے ہیں تو میں یہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. جہاں تک میری تحریروں کا تعلق ہے, میں دو ریڈنگ میں تو بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ کہ غلطی زبان کی ہو سکتی ہے بولنے میں, وہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں, مگر اگر فقرہ بدلا ہے کسی نے اپنی طرف سے تو اس پہ مجھے اعتراض ضرور ہوتا ہے. ٹی وی پر بہت سارا کام بشرا انصاری اور معین اختر کے ساتھ مل کر کیا, کیا ذاتی تعلقات تھے یا ان کا کام بہت پسند؟ حیرت کی بات ہے, لوگ یہ کہتے ضرور ہیں کہ میرے کئی ڈراموں میں اور کئی سیریز میں یہ دونوں رہے موجود, مگر سلیم ناصر, قاضی واجد, طلعت حسین, شکیل, بیروس ازواری, جاوید شیخ, یہ سب میرے پلیز میں آتے ہیں, مگر پرومیننٹ یہ دو بہت ہوئے ہیں. 36 برس میں نے کام کیا ہے معین کے ساتھ, 24-25 برس مشرا کے ساتھ کام کیا. کہتے ہیں کہ ایک ساتھی فنکارہ کی آپ نے 100 سے زائد تصاویر بنا ڈالی, کیا یہ سچ ہے؟ اگر تصویر کسی سے ملتی ہے تو اس میں بنانے والے کا قصور نہیں ہے, اس شکل کا قصور ہے کہ وہ تصویر ہر ایک کو وہی لگ رہی ہے, تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. میں تو تصویریں اس طرح کی بناتے ہی نہیں, میری تو تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ 2 لکیریں, 4 لکیریں, 5 لکیریں. کہتے ہیں آپ کی ہر تصویر میں خاتون کا چہرہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے, وہی نقش و نگار, کیا یہ کوئی خاص چہرہ ہے؟ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت, ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. تو جو میں تصویریں بناتا ہوں اس سے اگر کوئی ملتا ہے یا ابھی نہیں مل رہا ہے مجھے, تو ان میں میری لکیروں کا قصور ہے, میرے رنگوں کا قصور ہے, اس میں میرا نہیں. مشہور ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کا پتہ نہیں لگتے دیتے, کیا ذاتی دکھ میں کوئی ناکام عشق تو پوشیدہ نہیں ہے؟ زندہ رہنے کے لیے عشق بہت ضروری ہے, تو عشق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ساتھی ہو, عشق کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے. سر, تھینک یو ویری مچ سر. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا, درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے.